हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमन किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाला इंस्टेंट आलू का चिप्स। ऐसा पोटैटो चिप्स बनाने का तरीका जिसमें न तो आलू को उबालना है और न ही धूप में सुखाना। जब भी चिप्स खाने का मन करे बस 5 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतना आसान तरीके से बनाया है कि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक ही बार में 100% गारंटी है कि बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी, क्रंची और करारे ही बनेंगे। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाकर 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू का चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 आलू लिया है और इसे अच्छे से धुल लिया है। यहाँ पर मैंने कोई स्पेशल आलू का इस्तेमाल नहीं किया है, ये वही आलू है जो हम डेली सब्जी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस ये साइज़ में थोड़े बड़े हैं। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ की आलू लेंगे तो इससे चिप्स थोड़े बड़े बड़े बनेंगे। तो सबसे पहले आलूओं को छीलकर इस तरह से पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़े। अब इसी तरह से सारे आलूओं को छील लेंगे। तो ये देखिए, आलूओं को यहाँ पर मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इसे धुल लेंगे ताकि इसमें जो स्टार्च है निकल जाए। और ये देखिए, आलूओं को मैंने 2 बार अच्छे से धुल लिया है और इसमें जो स्टार्च थे सब निकल गए हैं। अब इस तरह से कोई किचन टावल ले लेंगे या कोई कॉटन कपड़ा, तो आलूओं को अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर ना रहे और ये अच्छे से सूख जाए। तो इसी तरह से सभी आलूओं को अच्छे से पोंछ लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ पर मैंने सभी आलूओं को अच्छे से पोंछ लिया है और इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है। और आप देख सकते हैं, आलू ज़रा भी काला नहीं पड़ा है। अब इस तरह से एक थाली लेंगे और इसमें कोई किचन टावल या टिश्यू पेपर बिछा लें या तो कोई कॉटन कपड़ा भी बिछा सकते हैं। अब इस तरह से एक चिप्स कटर लेंगे, ये मार्केट में ईजिली मिल जाता है। तो इस तरह से चिप्स को काट लेंगे बिल्कुल फटाफट से, ये ईजिली बस कुछ ही सेकंड में कट जाता है। और ये देखिए, बिल्कुल पतले पतले चिप्स कटे हैं। एकदम क्रिस्पी चिप्स बनाने के लिए इस तरह से पतले पतले चिप्स काटने हैं। अगर चिप्स के स्लाइस मोटे निकल रहे हैं तो उसका इस्तेमाल ना करें, उससे चिप्स तलते समय लाल पड़ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अब इसी तरह से सारे चिप्स को काट कर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे चिप्स को काट लिया है। अब इसे इस तरह से फैला देंगे। अब इस तरीके से कोई किचन टावल ले लेंगे या कॉटन कपड़ा और चिप्स को रगड़ रगड़ कर अच्छे से ड्राई कर लेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। यहाँ पर एकदम क्रिस्पी, क्रंची और करारे चिप्स बनाने के लिए चिप्स को जितने अच्छे से ड्राई कर लेंगे चिप्स उतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से रगड़ रगड़ कर इसे अच्छे से सुखा लेंगे। अब इस तरह से कोई छोटी कटोरी या बॉल ले लेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और इसमें 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ। अगर आप नॉर्मली इसे खाने के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हमें कब करना है। तो चलिए अब चिप्स को फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर एकदम क्रिस्पी चिप्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी टिप्स, तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, न तो मीडियम फ्लेम न ही लो फ्लेम, एकदम हाई फ्लेम पर अच्छी हीट निकलता हुआ गर्म तेल चाहिए ताकि जब हम इसमें चिप्स को डालें तो आलू में जो मॉइस्चर होता है वो तुरंत उड़ जाए और हमारे चिप्स एकदम क्रिस्पी और करारे बने। तो यहाँ पर ऑयल एकदम बढ़िया गर्म है। अब फटाफट से चिप्स तेल में डालते जाएंगे। जैसे ही चिप्स तेल में डाल रहे हैं ये तैर कर तुरंत ऊपर आ रहे हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई है क्योंकि जब हम चिप्स तेल में डालते हैं तो तेल का टेम्परेचर गिरने लगता है, इसलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और फटाफट से चिप्स तेल में डालना है। बहुत ज़्यादा चिप्स एक साथ नहीं डालना है, कढ़ाई में जितना स्पेस है उसी हिसाब से चिप्स डालेंगे। और ये देखिए, जैसे जैसे चिप्स से मॉइस्चर निकलता जाएगा चिप्स एकदम क्रिस्प होते जाएंगे। तो अब इस तरह से उलटते पलटते हुए चिप्स को एकदम क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए, जब हम चिप्स को तेल में डाले थे तो इसमें काफ़ी सारे बबल्स दिखाई दे रहे थे, अब बबल्स काफ़ी कम हो गए हैं। तो अब इसी स्टेज पर गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। अब इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, जो नमक और पानी का घोल हमने तैयार किए थे, बस थोड़ा सा, बिल्कुल 3 से 4 बूंद डालेंगे। थोड़ी सी दूरी से डालेंगे ताकि तेल के छींटे ऊपर ना आए। बस कुछ ही सेकंड में बबल्स बिल्कुल डाउन हो जाएंगे।
नमक वाला पानी डालने से क्या होगा कि सारे चिप्स में एक समान नमक आएगा। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें थोड़ी देर और फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्प न हो जाए। और ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया क्रिस्पी चिप्स बनकर तैयार हैं। इसमें कोई भी चिप्स लाल या काले नहीं पड़े हैं, एकदम बाजार जैसे क्रिस्पी, क्रंची और करारे चिप्स बने हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे और चलिए दूसरी बैच का चिप्स भी फ्राई करके दिखाती हूँ। अब तेल को फिर से हाई फ्लेम पर बढ़िया से गर्म होने देंगे और फिर फटाफट से चिप्स डालते जाएंगे और उलटते पलटते हुए अच्छा क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही चिप्स 70-80% फ्राई हो जाए तब गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और नमक वाला पानी 3 से 4 बूंद डालेंगे। नमक वाला पानी डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर ही चिप्स को अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे, जब तक कि इसमें हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। इससे चिप्स एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और ये लीजिए, सेकंड बैच का भी चिप्स बढ़िया से फ्राई हो गया है। लग रहा है ना ये एकदम बाजार जैसे चिप्स। तो चलिए अब इन्हें मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये चिप्स कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं। और ये लीजिए, आप इसकी आवाज़ सुनिए। आप इसकी आवाज़ से ही समझ सकते हैं कि ये चिप्स कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। ये देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आप इस तरह से एक बार बनाकर खा लिया तो यकीन मानिए बाजार वाले पैकेट के चिप्स तो खाना ही भूल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार सेंधा नमक। नमक को डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसे मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो इसलिए व्रत वाले नमक का इस्तेमाल की हूँ। अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालकर इसे और भी टेस्टी बनाकर खा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चिप्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। खाने में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।